1, 2, 3. Assalamu alaikum, Pakistan. I'm on a motorcycle tour, and ये सारा जो पीछे से नूर जहान वर्सेस अली अजमत एक सीन बना दिया गया. सबसे पहले तो आई लाइक टू क्लेरिफाई कि मेरे भाई अहमद अली भट्ट, उन्होंने भी कुछ लिखा, मिन्ना ने भी लिखा. आप लोग मेरी फैमिली हैं एंड आई हैव नेवर कंसिडर्ड यू अदरवाइज. हिना, नाजिया, देर ऑल फ्रेंड्स ऑफ माइन और देर लाइक फैमिली. अहमद अली भट्ट, मोहम्मद अली भट्ट और बाकी सब फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी, उनको बहुत मैं प्यार करता हूं और बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मैं करता हूं नूर जहां साहिबा की, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने नहीं सुना. वो जिन साहब ने भी ये वीडियो एडिट करके लगाई है और सिर्फ एक पोर्शन लगाया जिसमें कहा गया कि नूर जहां ने बुंदे पहन के आ जाती थी और हम देखते थे, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बात बिल्कुल सच है कि जब हम छोटे होते थे, मैं बात कर रहा हूं जब हम 7-8, 6-7 साल के थे, तो उस वक्त हमारे लिए सिर्फ पीटीवी होता था. और जो डिस्कशन चल रही थी वकील ऑनलाइन के इस वकील ऑनलाइन पे, वो ये थी कि क्या वेस्टर्न ये म्यूजिक हमारे कल्चर का हिस्सा है कि नहीं. तो उनको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे सारे कल्चर के अंदर सरायत कर चुका है, यानी कि अब वो वेस्टर्न कल्चर का हम हिस्सा है. ये म्यूजिक जुनून हो या वाइडल साइंस, ये वेस्टर्न म्यूजिक ही था. और जब क्योंकि पीटीवी जो हमारा पब्लिक टेलीविजन था उस वक्त, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी बुरी थी, ये इसमें जारी बात है गायकी तो हमें उस वक्त पता ही नहीं था कि गायकी क्या चीज होती है. ये जो बात मैं कर रहा था, मैं उस वक्त ही कर रहा था जब मैं 7 या 8 या 9-10 साल का होऊंगा, और हमें देखने में जो मिलता था हमने आवाज तक तो कभी पहुंच ही नहीं सके, तो हमारी इतनी वो कैपेबिलिटीज ही नहीं डेवलप हुई हुई थी कि हम उस म्यूजिक को समझ सकें. जाहिर बात है जब बड़े हुए तो हमसे बड़ा नूर जहान का फैन ही कोई नहीं है. और ये बात आपको शायद बुशरा अंसारी साहब अभी आपको बताएंगी कि हमें उनके कैसे कैसे, नाजिया आपको बताएंगी कि हम उनके क्या क्या गाने किन किन जगहों पे हमने एंजॉय करते हैं. और उनकी जो मास्टरी थी, जो उनकी सोलफुलनेस थी, जो उनकी डिलीवरी थी गाना गाने की, वो तो कंपेरेबल है. हम तो उसके कहीं करीब भी नहीं पहुंच सके आज तक. मुझे याद है कि मैं एक दफा मिलने गया मैडम नूर जहान को, और वो काफी बीमार थी, और नाजिया ने बड़े प्यार से कहा कि अम्मी मेरा एक दोस्त आया आपसे मिलने के लिए. और मैं गया तो उन्होंने कहा ये सिंगर है जुनून के, वो ये बड़ा अच्छा गाते हैं. तो मैडम ने ना बड़े गुस्से में कहा एक ही गाँधा होगा, कहा ना फलाना गाना गा के सुनाए. तो उनकी अपनाइत थी, उनका एक तरीकाकार था, वो भी इसी तरह की थी जिस तरह की मैं हूं. दबंग थी जो उनके दिल में आता था वो बोलती थी. तो जो मैंने कैफियत अपनी बताई थी वो 6-7-8 ईयर्स ओल्ड को टीवी पे रोज जो हमारे माँ बाप ऐसे जुड़ के देखते थे टीवी कि नूर जहान का फलाना गाना आ गया, ओ माय गॉड. और हम कहते थे व्हाट्स द बिग डील, हमें तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही है क्या कर रहे है, क्या ये तो कोई आंटी है. हमें तो जो पहली कोई चीज एज अ यंग इम्प्रेशनेबल माइंड जो पहली चीज नजर आई थी वो नाजिया हसन या जोहेब हसन थे या आलमगीर या शेकी थे, कि वो थोड़े से जी कोई मॉडर्न म्यूजिक आया और हमारे कहा हाँ यार ये जो वेस्टर्न कल्चर में हम जो म्यूजिक सुनते हैं उसके कई करीब करीब ये भी वो बजा रहे हैं. ऑब्वियसली वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट म्यूजिक. नूर जहान का इतना पक्का राग और इतनी खूबसूरत डिलीवरी और उनकी उनकी आवाज और उनकी खूबसूरती, हमें तो कोई उसके बारे में नहीं पता था. हमें तो बस ये पता था ये कोई टीवी पे आ रहा है. और वो हमारा फर्स्ट जो था एक्सपोजर था म्यूजिक के साथ, वो हमने उसको जारी बात है उस एज में रिजेक्ट किया. हम अपने बच्चों को इस तरह के गाने सुनाते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो अपने नए गाने हमें सुनाते हैं. तो ये तो एक जनरेशनल चीज की मैं बात कर रहा था. इसमें तौबा इस्तग़फ़ार नूर जहां साहिबा के बारे में कोई कहना कि वो एक मोटी आंटी थी और वो ये था, हमारा जाहिरी बात है बचपन में पहला एक्सप्रेशन इम्प्रेशन यही था कि ये कौन आ गया यार, मन जिसके गाने नहीं सुनने. लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए, जब वन वी केम ऑफ एज, वी रियलाइज कि यार यहाँ पे तो एक पूरा किसको कहते हैं ना खजाना छुपा बैठा है. वो एक गाना सुना, दूसरा गाना सुना, तीसरा गाना सुना, चौथा सुना, उसके बाद तो दुनिया बदल गई. बट जी डिस्कशन को बहुत गलत तरीके से जो भी ये जिसको कहते हैं ना कि फेम हंग्री चैनल्स हैं जिन्होंने इसको ऐसे एडिट करके सारे लोगों की दिल आजारी की, इस सारी चीज में मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि क्योंकि मेरी फैमिली जो कि नूरजान फैमिली, इसमें अहमद अली भट्ट और कुकी और मोहम्मद अली भट्ट, उसके बाद सोनिया,
सिकंदर, नाजिया, मिन्ना, हिना, ये सब हम मेरे दोस्त हैं और बड़ा प्यार करता हूं मैं इन लोगों के साथ और उनके और उनसे इतनी दोस्ती करने की वजह और उनसे इतना प्यार करने की वजह और कोई नहीं है सिवाय मैडम नूर जहान के। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे।